और ऐसी प्रोविजन इन लोगों ने डाली है जिससे दिल्ली सरकार लगभग खत्म हो जाती है। आदेश इलीगल है, मैं आपके आदेश को नहीं मानती, ऐसे सरकार कैसे चलाएंगे। हर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भड़के हुए हैं। दिल्ली में सीपीआई महासचिव डी राजा से मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने नए अध्यादेश के जरिए दिल्ली सरकार को लगभग खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को जितना पढ़ रहा हूं उतनी नई बातें सामने आ रही हैं। जितना मैं स्टडी कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि ये अगर कोई किसी को ये लगे कि ये दिल्ली हाफ स्टेट है इसलिए दिल्ली के लिए ऑर्डिनेंस आया है, ऐसा नहीं है। ये इस किस्म का ऑर्डिनेंस राजस्थान के लिए भी आ सकता है, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट। ये पंजाब के लिए भी आ सकता है, हरियाणा के लिए भी आ सकता है, तमिलनाडु के लिए भी आ सकता है, केरला के लिए भी आ सकता है। कोई भी फुल स्टेट की सरकार ये ना समझे कि ये दिल्ली का मामला है। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली में अब हर सेक्रेटरी ये तय कर रहा है कि मंत्री का कौन सा आदेश कानूनी है। हर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है। अब तो हर सेक्रेटरी ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सा आदेश लीगल है, और जिसको मर्जी इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं, बस अब सेक्रेटरी की डिसीजन फाइनल है, वो सुप्रीम कोर्ट, हर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। एक और इसके अंदर प्रोविजन है, चीफ सेक्रेटरी को ये पावर दे दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि कैबिनेट का कौन सा डिसीजन लीगल है और इलीगल है। कैबिनेट सुप्रीम होती है, जैसे देश की कैबिनेट सुप्रीम है, राज्य की कैबिनेट सुप्रीम होती है। अब इसके अंदर ये पावर दे दी गई है, चीफ सेक्रेटरी तय करेगा कि कैबिनेट ने अगर कोई निर्णय लिया तो चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि वो निर्णय लीगल है कि इलीगल है। बता दें कि दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक अध्यादेश को लेकर विवाद चल रहा है। ये अध्यादेश दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसले में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था, लेकिन केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई जिसके तहत अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल को वापस मिल गया। आम आदमी पार्टी ने इस अध्यादेश को असंवैधानिक बता दिया है। वहीं साथ ही केंद्र सरकार पर दिल्ली सरकार से पावर छीनने का आरोप लगाया है।